हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो फाइनली यहाँ पे Zenfone Max Pro M2 के लिए जो है स्टेबल एंड्रॉयड बाय मैनुअल जिप फाइल जो है आपको देखने को मिल रही है Zenfone Max Pro M2 के लिए। और अभी तक ये फाइल जो यहाँ पे नहीं थी और इसका OTA अपडेट भी आ चुका है। तो यहाँ पे अभी जो है मेरे फ़ोन में जो है एंड्रॉयड 9 इंस्टॉल है और 1 मार्च का सिक्योरिटी पैच आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ ही यहाँ पे जो इसका बिल्ड नंबर है वो है 061 वाला। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस फ़ोन में ये अपडेट आई है करीबन 461 या फिर 462 MB की अपडेट है। तो ये अपडेट OTA अपडेट है। अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट जो है आपको देखने को मिल रही है तो आप जो है इसको अपडेट कर सकते हैं, डाउनलोड करके फ्लैश कर लेना। और इस अपडेट में जो है यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फ़ोन जो है एंड्रॉयड पाए पे अपग्रेड किया हुआ है और सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पे जो है आपको मार्च का देखने को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पे बग्स फिक्स इशू जो थे वो फिक्स कर दिए गए, इनका ऐसा कहना है। तो अभी कितना फिक्स हुआ है यहाँ पे तो वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको अभी तक ये अपडेट नहीं मिली है Max Pro M2 के लिए तो इस अपडेट को आप कर सकते हो। अपडेट काफ़ी बढ़िया है। Max Pro M2 में कोई इशू नहीं मिल रहा है मुझे। अगर यहाँ पे स्क्रीन ब्लिंकिंग का कोई अगर आपको इशू जा रहा है इस फ़ोन में तो आप जो है इस अपडेट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी तक जो है इस फ़ोन के लिए कोई मैनुअल अपडेट मैंने नहीं बताया था कि कैसे आपको करना है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे फ़ोन में जो है सिस्टम फाइल यहाँ पे डिडक्ट हो चुकी है और हम जो है यहाँ पे इसको अपडेट करने वाले हैं। तो ये रही वो सिस्टम अपडेट फाइल जो मैंने जो है Asus के ऑफिशियल वेबसाइट से जो है डाउनलोड की है और मैं इसका फुल रिव्यू आपके लिए लेके आऊँगा ज़रूर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप Max Pro M2 के लिए मैं जब जाता हूँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको जो है इसकी फाइल जो है देखने को मिल जाती है जो हाल फिलहाल 25 अप्रैल को जो है ये यहाँ पे जो है अपडेट की गई है। तो फाइल का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट से हमको जो है डाउनलोड करना है इसको और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके डिस्क्रिप्शन में जो है एंड्रॉयड पी अपग्रेड और सिक्योरिटी पैच मार्च और कुछ बग्स को जो है फिक्स किया गया है इसमें। तो यहाँ पे ये अपडेट जो है 15 अप्रैल को हमें देखने को मिल रही थी, 15 या 14 को, लेकिन उसके बाद इसको जो है वापस खींच लिया गया क्योंकि यहाँ पे जो है इसमें कोई प्रॉब्लम चल रहे थे जैसे कि स्क्रीन ब्लिंकिंग और कैमरा एपीआर 2। तो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी कैमरा एपीआर 2 इनेबल था क्योंकि मैंने ओडियो में उसको जो है इनेबल किया था। तो उसको करने के बाद आपको इस अपडेट में जो है स्टेबल में ये देखने को मिल जाएगा। तो हाल फिलहाल अगर आपको ये अपडेट नहीं मिली है तो आप जो है OTA के ज़रिए इसको चेक कर लेना। और अगर आपका OTA सर्विसेज पे ये नहीं दिखाता है तो आप जो है मैनुअल फाइल डाउनलोड कर सकते हैं ये पूरी। और उसको आपको फिर क्या करना है उसके बाद आपको उस फाइल को डाउनलोड करके आपके फ़ोन के इंटरनल स्टोरेज में रख लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटरनल स्टोरेज में आपको ये देखने को मिल रही है और इसका बिल्ड नंबर है 064 और जो मेरे फ़ोन में अभी इंस्टॉल है वो 061 वाला है और यहाँ पर ये अपग्रेड हो चुका है। तो चलिए अब हम जो है इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं मैनुअल। तो यहाँ पे आपके फ़ोन का डेटा आपको ऑन रखना है उस फाइल को डाउनलोड करने के बाद और उसके बाद आपको इस फाइल को यहाँ पे जो है टैप कर लेना है। तो फाइल टैप करने के बाद अगर ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई देता है तो आपका फ़ोन अब आपको जो एक बार रिबूट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेता हूँ और उसके बाद ये फाइल यहाँ पे जो है डिडक्ट हो जाएंगी। तो फ़ोन मेरा यहाँ पे रीस्टार्ट हो चुका है और अब देखते हैं यहाँ पे फाइल जो है हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पॉपअप आ चुका है सिस्टम अपडेट फाइल डिडक्ट यहाँ पे। तो चलिए मैं इसको टैप कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो है देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इसको इंस्टॉल। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे फाइल का जो बिल्ड नंबर है वो है 064 और इसी को हमें जो है अपडेट कर लेना है। तो यहाँ पे ओके कर ले और उसके बाद सिस्टम अपडेट यहाँ पे आपको अवेलेबल जो है देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको इंस्टॉल। और अगर आपके फ़ोन में ये अपडेट नहीं आई तो आप जो है मैनुअल कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ इसको पहले अपडेट, उसके बाद क्या इसमें चेंजेस आए मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और इस पर एक फुल डिटेल वीडियो भी बनाऊँगा कि इस अपडेट में क्या स्क्रीन ब्लिंकिंग का इशू सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है उस पर मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। साथ ही यहाँ पे इसका हेडफोन जैक वो तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे अभी मिल रहा है लेकिन Max Pro M1 में नहीं है इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन। अभी नेक्स्ट OTA अपडेट उसका कब आता है वो भी हम देखेंगे। तो साथ अभी हम जो हाल फिलहाल तो जो इसी को अपडेट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो चलिए पहले उसको मैं अपडेट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको मिलता हूँ इसी वीडियो में। तो फ़ोन यहाँ पे जो है फाइनली अपडेट हो चुका है इस नए
अपडेट में जो करीबन अगर OTA के ज़रिए आपको मिलता है तो 400 या 450 MB के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसको मैनुअल डाउनलोड करना चाहते हैं डायरेक्ट ओरियो से, तो आपको इसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा, जो करीबन आपको 1.5 GB में ये फाइल जो है देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अपडेट अभी जो है कंप्लीट हो चुकी है मेरे फ़ोन में, और यहाँ पे देखता हूँ मैं कोई चेंजेस वगैरह आपको यहाँ देखने को मिलते हैं कि नहीं। और फाइनली फ़ोन यहाँ पे बूट हो चुका है और आप देख सकते हो यहाँ पे कि सिस्टम यहाँ पे अपडेट हो चुका है अभी। तो ये रहा हमारा सिस्टम, यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम फिनिशिंग जो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, फिनिशिंग सिस्टम अपडेट। और उसके बाद चलते हैं हम अबाउट में, अबाउट में जाने के बाद हम जो है चेक कर लेंगे इसका बिल्ड नंबर क्या यहाँ पे चेंज हुआ है और क्या नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप बिल्ड नंबर यहाँ पे चेंज हो चुका है, 064 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जो सिक्योरिटी पैच है वो मार्च का ही है, और उसके अलावा यहाँ पे कोई चेंजेस हमें जो है देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे अभी जो है एक पॉपअप मैसेज आ रहा है मुझे बार बार, नो सिग्नल डिवाइस सेट ऐसा कुछ तो भी, तो ये क्या मसला है ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। और अभी मैं जो हूँ इसको यूज़ करूँगा और इसका कैमरा वगैरह जो है कैसा यहाँ पे चल रहा है, साथ ही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। तो AI सीन वगैरह यहाँ पे तो पहले से ही मिल रहा है, तो देख सकते हो आप कि इसमें जो है AI सीन वगैरह देखने को मिलता है हमें, और उसके अलावा यहाँ पे अभी कोई भी चेंजेस नहीं है, HDR मोड वगैरह आपको मिल जाता है। तो हमने जो है इसको अभी अपडेट कर लिया है Zenfone Max Pro M2 को मैनुअली अपडेट। तो जिन बंदों को नहीं पता है कि मैनुअल अपडेट कैसे करना है, तो वो जो है इस फाइल को डाउनलोड करके कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और मैंने जो है इसका लिंक आपको दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही हमारी वो फाइल जो आपको ASUS के वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे अभी तो डर लग रहा है कि इस फ़ोन में कोई बग्स वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है भाई कि ASUS जो है क्या डाल दे हमारे फ़ोन में। तो हम जो है चेक करेंगे बाद में मैनुअल अपडेट में इस zip फाइल में हमें जो है क्या क्या चेंजेस जो है देखने को मिले हैं। तो ये रही वो फाइल जो मैंने आपको बताई है कि 1.5 GB के ऊपर आपको जो है देखने को मिल जाएंगी यूज़र zip, और इसको आपको बिना फोल्डर के आपके फ़ोन या फिर जो है SD कार्ड में इसको रख लेना है, और उसके बाद आपको फ़ोन रिबूट करके इसको जो है फ्लैश कर लेना है। तो अभी तो ये हाल फिलहाल हमने इसको कर लिया है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या चेंजेस जो है देखने को मिले हैं, और साथ ही मैक्स प्रो M1 के लिए नेक्स्ट OTA कब आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और अब तक आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपसे जो है मिस ना हो, क्योंकि हम जो है इसी स्मार्टफोन की वीडियोज़ और टैक न्यूज़ और ना जाने कैसे कैसे हम जो है वीडियो लेके आते रहते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना, और अब तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है आपसे मिस ना हो।